इसके अंदर आपको और एक जिप मिलेगा, ऐसा वाला जिप, लाइक क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और इसको बना ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पे भी एक पॉकेट मिलेगा आपको, बट आई डोंट थिंक सो आपको मिंट कलर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी रिव्यू देखा तो वो मिंट कलर जैसा नहीं था, थोड़ा येलो कलर टाइप आया है। ये दोनों बैग बेस्ट बैग है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं मीशो हॉल, लेकिन इस बार होने वाला है बैग हॉल। मैंने अभी तक जो भी बैग्स लिए हैं वो सारे मीशो से हैं, लाइक मोस्टली मीशो से ही हैं, तो मैं आपको वो सारे एक एक करके बताऊंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो फर्स्ट बैग मैंने लिया था वो ये वाला बैग था। आपने ये बैग सब जगह देख लिया होगा, लाइक बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं उनमें ये चीज़ है कि लाइक बैग होता है उसमें कॉइन पाउच होता है, तो ये चीज़ का ड्यूप है ये। और आपको ये मीशो में बहुत सारे दिखेंगे, लाइक बहुत सारे सेलर्स हैं जो ये सेल करते हैं, तो मैंने भी ख़रीद लिया क्योंकि ये थोड़ा सा क्लासी लग रहा था, लाइक बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, ऐसा बैग है ये। ये थोड़ा सा स्मेली है, लाइक जब भी आप ओपन करोगे ना तो ये थोड़ा सा रबरी स्मेल करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो चला जाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बट अगर आप बहुत पास से सूंघोगे तो आएगा। तो ये कुछ ऐसा बैग है, अंदर से बहुत सारी जगह है, लाइक बहुत जगह है, आप अपना फ़ोन डाल सकते हो, बहुत सारी लिपस्टिक विपस्टिक सब डाल सकते हो और फिर कैरी कर सकते हो। उसके साथ आपको ये बेल्ट मिलेगा, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, लाइक ठीक ही है, लाइक अच्छा ही है। और ये कॉइन पाउच मिलेगा आपको इसमें, तो ये ऐसा है अंदर से। इसमें आप बाकी सारी चीज़ें भी डाल सकते हो, लाइक अगर आपको कील्स डालनी है, आपके थोड़े से कॉइन्स डालने हैं, नोट डालना है, सब डाल सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, लाइक मेरे पाम जितना बड़ा है ये, इतना बड़ा है, तो आप डाल सकते हो। और इसको रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको दूसरा स्ट्रैप लगाना है तो आप दूसरा स्ट्रैप भी लगा सकते हो। आजकल अमेज़ॉन में मिलते हैं उनके मतलब अलग से स्ट्रैप्स भी मिलते हैं, तो आप वो लगा सकते हो। मीशो में अगर मिला तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगी। इसके अंदर आपको और एक जिप मिलेगा, ऐसा वाला जिप है, और इसमें भी आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। लाइक ठीक ठाक है इसका क्वालिटी, इतना भी कुछ ख़राब नहीं है। इसमें और एक वैरायटी आता है जिसमें यहाँ से और एक छोटा सा मिलता है, लाइक अगर आपको शोल्डर बैग जैसा डालना है तो भी डाल सकते हो वैसा वाला। उसका आई थिंक 100 रुपीज़ ज़्यादा था, मैंने ये वाला लिया क्योंकि मुझे डालना नहीं था, लाइक शोल्डर बैग इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं स्लिंग बैग ही प्रेफर करती हूँ, तो मैंने ये ले लिया। अगर आपको वो चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन। इसका प्राइस था 284 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 274 रुपीज़ के आसपास, तो लाइक 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था मुझे। नेक्स्ट जो मैंने बैग ख़रीदा था ना वो ये वाला बैग था। ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे लगा था ये काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा आया है, लाइक बहुत ही छोटा। इसमें अपना फ़ोन भी नहीं डाल सकती मैं, इतना छोटा है ये। और इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है, लाइक इतना सा जगह है ये, तो इसके अंदर क्या ही स्पेस होगा। अगर आपको लिपस्टिक डालना है तो लिपस्टिक डाल सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं सोच रही हूँ इसको रिटर्न कर दूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा तो दिख रहा है, लाइक बहुत ही प्रिटी है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, लेकिन लाइक प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें कुछ डाल नहीं सकती मैं। और ये ना ठीक से रुकता भी नहीं है, लाइक रोल हो जाता है, ये ऐसे शोल्डर से। और है ना इसमें फ़ोटो में कैसा दिख रहा है ना कि उसका जो स्ट्रैप है वैसे लॉन्ग है, मैं इसे साइडवेज डाल सकती हूँ, लाइक स्लिंग बैग डाल सकती हूँ, लेकिन ये वैसे नहीं डाल सकती, ये बहुत ही छोटा स्ट्रैप है इसका, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो मैं साइडवेज डाल सकती थी और वो गिरता भी नहीं था, लाइक पहन सकती थी आराम से। लेकिन इसको मुझे एक ही साइड डालना पड़ता है और ये रोल हो जाता है, तो लाइक प्रैक्टिकल है ही नहीं। फिर भी अगर आपको एस्थेटिक के लिए लेना है तो ले सकते हो। इसका प्राइस था 330 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 319 रुपीज़ में। अभी इसका प्राइस 297 हो गया है, लाइक बहुत ही कम हो गया है इसका प्राइस। बट अगर आपको लेना है, मतलब अगर आपको कोई आउटफिट है जिसमें ये मैच करेगा, आप इसको हैंडल कर लोगे, ऐसा वाला चीज़ है, तो आप ले सकते। लाइक क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी ऐसा मुझे लगता है। मैंने और एक बैग मंगाया था, ये वाला बैग, लेकिन वो उन लोग ने खुद ही कैंसिल कर दिया, मुझे पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। मुझे ये वाला ट्रेंड क्रिएट करना था बट वो उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया। मैं सोचूं कि नेक्स्ट वीडियो में वो इंक्लूड करूं, मैं मंगा लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे बैग्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो मैंने बैग लिया था वो डेनिम वाला बैग था, ऐसा वाला बैग, और ये मुझे बहुत ही कूल लगा। लाइक अगर आपको बहुत सारे सामान लेके जाना है और
क्लासेस वासेस में जाते थे ना तभी ऐसा बैग होता था मेरे पास, ऐसा वाला ये बैग है और ये था 420 रुपीज़ का, मुझे मिला है 400 रुपीज़ में। तो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लाइक डेनिम वाला क्वालिटी है, बस इसका जो ये वाला पार्ट है ना वो प्लास्टिक ही है, तो मुझे पता नहीं ये टूटेगा या नहीं, बट बहुत सारा सामान डालेंगे तो टूट जाएगा या ऐसा कुछ, बट ठीक है लाइक चल जाएगा, आपको 400 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें ना बहुत सारे पॉकेट्स हैं, लाइक एक दो यहाँ पे फ्रंट में दो पॉकेट्स हैं, यहाँ पे एक पॉकेट है और यहाँ पे एक पॉकेट है, साइड में आपको बॉटल रखने के लिए पॉकेट है, यहाँ से भी आपको बॉटल रखने के लिए पॉकेट है, अंदर से आपको ऐसे जिप ओपन करना है, जिप भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे ओपन करोगे तो यहाँ पे भी एक पॉकेट मिलेगा आपको, और इसके अंदर जिप भी है तो आप उसके अंदर भी कुछ रख सकते हो, अगर आपको कुछ ऐसा रखना है जो गिर जाएगा या फिर आपको मिसप्लेस हो जाएगा ऐसा लगता है तो उसको इसके अंदर रख सकते हो। काफ़ी अच्छा है, इसमें इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिखा है इन लोगों का, स्ट्रीट डेनिम 2023। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो बैग था ये मेरा सबसे फेवरेट बैग है, लाइक आप मानोगे नहीं ये 300 रुपीज़ का है, लाइक 300 रुपीज़ में मिला था ये, 328 रुपीज़ का था और मुझे ये 300 रुपीज़ में मिला था, और ये बहुत ही क्लासी लगता है, लाइक अगर आपको महंगा बैग खरीदना है तो वैसा ही लुक देगा ये, लाइक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। तो ये कुछ ऐसा बैग है, आपको आई थिंक कैमरा में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इसको लोगे ना, मैं भी ऐसे सोच रही थी कि जब आएगा तो कैसे आएगा, लाइक इतना ज़्यादा खास नहीं होगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन सच्ची बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसमें, इसके अंदर ऐसे पक्के इसके अंदर ऐसे सेक्शन मिलेगा आपको, इसका स्लिंग ऐसे हाफ चेन और हाफ ऐसा वाला स्लिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा, लाइक जो बेज कलर होते हैं बेज ब्राउन्स ये बहुत सारे आउटफिट के साथ चले जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से जाएगा। इसमें भी एक चीज़ है कि ये भी थोड़ा सा रबरी स्मेल करता है, लेकिन इसका पैकिंग भी अच्छा था और ये खुद से ही बहुत अच्छा बैग है। इसमें तीन कलर्स आते हैं, एक ब्राउन ये बेज कलर वाला है, एक ब्लैक कलर है और एक मिंट कलर टाइप है, बट आई डोंट थिंक सो आपको मिंट कलर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी रिव्यू देखा तो वो मिंट कलर जैसा नहीं था, थोड़ा येलो कलर टाइप आया है, तो इतना अच्छा नहीं लगा होगा आई थिंक, बट मिंट कलर आता तो ज़्यादा बेटर था। इसके बाद जो भी मैं दिखाने वाली हूँ मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया था, मतलब बहुत पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं बस आपको उसका रिव्यू देना चाहती हूँ कि कैसा दिखता है, मतलब अभी तक कैसा चल रहा है वो। फर्स्ट बैग ये वाला बैग था, ये मैंने 2020 में ख़रीदा था, आई थिंक 21 में आई थिंक ख़रीदा था, 21-22 में ख़रीदा था, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे आउटफिट जिसमें मुझे पॉप ऑफ कलर डालना है, लाइक बहुत ही न्यूट्रल शेड्स पहने मैंने, ब्लैक पहना है और मुझे एक पॉप ऑफ कलर डालना है क्योंकि मेरे पास सेम सैंडल्स भी हैं, तो मैं कलर ऐड करने के लिए ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में चला भी जाता है, ये ना ऐसा कपड़े वाला जूट वाला जैसा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत जगह भी होता है इसमें, तो आप इसको डाल सकते हो, शोल्डर बैग जैसा है, और इसमें ऐसे चेन भी मिलता है आपको येलो कलर का, प्लास्टिक की चेन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका भी मैं प्राइस डाल दूंगी, लिंक्स भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो बैग है वो ये वाला बैग है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत ही मिनिमल है, अगर आपको कुछ भी ऐसा मिनिमल डालना है तो ये डाल सकते हो, इसमें से चेन मिलेगा और ये बैग है, ये ऐसे शाइन होता है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट ऐसे शाइन होता है ये, और इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है इसके अंदर, मैं बहुत जगह इसको यूज़ करती हूँ, लाइक मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए होता है कि उसका स्ट्रिंग दिखे, बैग का स्ट्रिंग दिखे, तो मैं ऐसा यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो बैग है वो ये वाला बैग है, ये भी बहुत अच्छा है, लाइक इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ये ऐसा है अंदर से, बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं इसमें, ये मुझे काफ़ी आउटफिट में यूज़ भी हो जाता है क्योंकि बेज कलर में है, तो न्यूट्रल टोन हर किसी में चला जाता है। तो आते हैं अपने सबसे फेवरेट बैग पे, ये बैग मैंने इतना यूज़ किया लाइक हर जगह लेके जाती हूँ, ऑफिस लेके जाती हूँ, कहीं घूमने जाना है तो लेके जाती हूँ, कहीं शूट पे जाना है तो लेके जाती हूँ, ये बैग मैं हर जगह लेके जाती हूँ, लाइक ये इतना बड़ा बैग है और ये काफ़ी स्पेशियस है, लाइक बहुत स्पेस है इसमें, काफ़ी सेक्शन है इसमें, तीन सेक्शन है, लाइक दो जो हैं वो ऐसे बटन से क्लोज होते हैं और एक जो बड़ा वाला है इसे चेन से क्लोज होता है, और ये
बटन से क्लोज होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें ब्राउन कलर भी ले लूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे। मैं सोच रही हूँ इसमें ब्राउन कलर भी ले लूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से टिक भी गया है। लाइक आई थिंक 2-3 साल हो गए इसको, इतना ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।